जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल के एस वी हाड़ी। एक छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो है आपके सामने। इस वक्त मौजूद है डियाना AR8T06 ट्रिगर में, गैस रैम में। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इजाज़ भाई और अब्दुल सतार भाई का, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और क्वेटा से हमें इस ब्यूटी की पेमेंट भिजवाई। ये फर्स्ट लुक आपको दिखाते हैं, मुकर भाई दिखाएँ एक दफ़ा इस साइड में। ये देखिए कम्प्लीट दिखा देता हूँ। ये है डियाना AR8 गैस रैम में। ये इसकी मिडल साइट है, ठीक है। ये फ्रंट साइड है। फ्रंट वाली कैसी चीज़ चेंज होती है ये वाली? ये जैसे मैं नट लगाऊँ ना अंदर, ये निकाले ये उतर जाती है। अच्छा, ये उतर जाती है। तो लेफ्ट राइट आप लोगों के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? ये अच्छा, वहाँ से इस्तेमाल। ये फिक्स है? फिक्स है, ठीक है। ये फिक्स है, जहाँ पे इसके अंदर नट भी लगा हुआ है। चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ तब्दीली आपने करनी है तो ठीक है। और स्कोप इसके ऊपर वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे? हाँ, उनके पास मौजूद है, मैंने पूछा नहीं है, वो कह रहे हैं स्कोप हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा इसमें पैलेट्स कौन से बेहतर रहते हैं? GSP 18 ग्रेन के भिजवा रहे हैं। GSP 18 ग्रेन के पैलेट्स के साथ इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा इसका रिकॉइल कहते हैं ज़्यादा है, तो इसके ऊपर कोई स्कोप टिक सकती है ये मुझे बता दें। हाँ किधर भाई, बिल्कुल, अगर बुलजा यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, अगर कोई अच्छे वाली स्कोप है तो वो भी इस पर काम करेंगी। स्कोप इसके ऊपर कौन सी, मतलब आप रिकमेंड करना चाह रहे हैं, अगर कोई अगर न्यू यूज़र है जिसको पता नहीं है तो वो कौन सी स्कोप इसके ऊपर इस्तेमाल करें ताकि वो जीरो आउट ना करे? 440 में भी मिल जाएगी, और क्या नाम है उसका, टीगल की भी हैं, मतलब जो हमने यूज़ किए हैं डियाना पे, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और उसके लिए माउंट फिर अच्छे वाले लगाने पड़ेंगे। अच्छे वाले माउंट लगाने, टू पीस माउंट अगर अच्छे वाले लगाते हैं तो इंशाल्लाह रिजल्ट इसका आउट क्लास मिलेगा। और इसके अलावा ये स्टॉपर है, ये अबू बकर में दिखाएं कहाँ पे है इसका स्टॉपर? ये लगे हुए यहाँ पे, ये वाला स्टॉपर यहाँ लगाते हैं नट माउंट का, फिर ताकि वो स्कोप पीछे नहीं खींच सकती। ये वाली तो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि हमारी खुशी होती है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है, ताकि हमारे जो न्यू यूज़र हैं, न्यू हंटर हैं, जिनके पास जाना AR8 है, जिनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी खुशी होती है उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल किया जाए। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है वो बकर भाई? स्कोप ऊपर से टूट जाती है, ऐसे आ रहा है नॉर्मल स्कोप, वो तो बिल्कुल वो ये टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। 432 वाली हो गई, नॉर्मल जो भी होती है वो ख़राब हो जाती है। मतलब अच्छी वाली स्कोप इस्तेमाल अच्छा करें तो, स्कोप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह। और रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट इसका कैसा रिजल्ट है इस ब्यूटी का भाई? ये PCB के बराबर इसकी पावर है, FPS इसके इतने FPS PCB के बराबर है, पावरफुल बहुत है। और जो इसके गैस रैम है वो, मतलब इसका ख़राब शराब हो सकता है ये क्या, इसका प्रेशर कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम चलने के लिए। ये आप देख लें, ब्रांड है, लाइफ टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंथेटिक स्टॉक में है, T06 ट्रिगर, और इसकी रेल भी माशाल्लाह बहुत कमाल की है, क्योंकि डियाना की जितनी भी रेल्स हैं वो कमाल की हैं, इजीली उसके ऊपर स्कोप टिक जाती है। इसके अलावा ये इसका लोगो लगा हुआ है, डियाना AR8 ये लिखा हुआ है। तो अब्दुल सत्तार भाई, इजाज़ भाई, अल्लाह ताला ये आपको ब्यूटी नसीब करे, इसको नज़र बद से बचाए। और जिस भाई को चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये है अबू बकर भाई, 0370-70-871 अबू बकर भाई से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है सईद खिजर अब्बास, 0321-756-56-57 आप हम दोनों से रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सब दुआओं की दरख्वास्त है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।